नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जो याचिका हिजाब पहनने पर दायर की गई थी, यानी कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसने कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर हिजाब बिल्कुल मान्य नहीं होगा। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं समीना बेगम जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, हिजाब को लेकर बहुत विवाद हुआ, बहुत विवाद होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया कि भाई स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए है, ना कि धार्मिक स्थल है, आप हिजाब को वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा। कि आपका क्या कहना है इस पर, हिजाब, पूरे हिजाब मामले पर? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला आया है, बिल्कुल देश मतलब बहुत सही है, मैं मानती हूँ उसको, कोर्ट के फैसले को। और स्कूल में देखिए, स्कूल को धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता, उसके अपने कायदे कानून होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब स्कूल के अपनी इस तरह से अगर सभी लोग अपने मतलब सभी बच्चे धार्मिक ड्रेस में आना शुरू कर देंगे या धार्मिक नारे लगाएंगे, तो फिर स्कूल ना रह के वो तो बहुत मामला वहाँ से बिगड़ जाएगा, फिर एजुकेशन का तो मतलब ही नहीं वहाँ पर। वो एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर इन चीज़ों का, धर्म का उसको मतलब ही नहीं है। इस मामले को लेकर कई मौलवी हैं जो इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के फैसले पर भी आपत्तिजनक आपत्ति उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो एक हमारा इस्लाम का एक अंग है, इस्लाम का एक पार्ट है हिजाब, आप इस पर रोक कैसे लगा सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल और कॉलेज क्या पढ़ने के लिए है, या फिर जिस तरीके की वहाँ पर कर्नाटक में नारेबाजी हुई, एक तरफ से दूसरे धर्म के लोगों ने नारेबाजी की, फिर वो लड़की स्कूटी खड़ी करके आई, उसने नारेबाजी करी, क्या लगता है कि इस तरीके की नारेबाजी से जो बच्चों का भविष्य है, जो शिक्षा ग्रहण करने वो स्कूल में जा रहे हैं, क्या वो बहकेंगे, क्या वो इससे हटेंगे, क्या वो फिर अलग एक धार्मिक राजनीति में फंसेंगे? बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ वहाँ पर, हालात जो बिगड़े हैं, और उन्हीं नारों की वजह से स्टार्टिंग में सबसे पहले नारे ही गलत लगे, जय श्री राम और अल्लाह अकबर, इन नारों से स्कूल या कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं। भाई, आपको अपने मज़हब पे चलना है, मज़हब को फॉलो करना है, अपने घर के अंदर रहिए, मंदिर मस्जिद में रहिए, आप स्कूल कॉलेज या रोड पर ही तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? तो उसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। जैसे मेरे पास ये चीज़ आई पहली बार, मैंने देखा तो मुझे ही बड़ा अटपटा सा लगा, कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ कोर्ट के फैसले से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ही मामला आएगा तो ये फैसला जो है बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर सामने आएगा। से महबूबा मुफ्ती हैं, अभी महिला हैं, महबूबा मुफ्ती महिला हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनका कहना है, उन्होंने ट्वीट किया है, हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मसला है। क्या हिजाब से सशक्तिकरण का कोई लेना देना है? मतलब ही नहीं है, और लड़की दबी कुचली हो जाती है और दब के रह जाती है, कमज़ोर, आवाज़ नहीं निकाल पाती। तो ये देखिए, इस्लाम का डर दिखाकर जो ये बहकावे का काम कर रहे हैं, मतलब जो भी हैं, मैं कह रही हूँ चाहे उसमें पॉलिटिशियन है मुस्लिम या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, दोनों की ही सोच गलत है। इन्होंने पहले भी इतना हल्ला ट्रिपल तलाक पे किया, हलाला पे किया, इनकी तो आदत सी बन गई है, कोई भी कुरूतियों को बंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इस्लाम से ये हिजाब को जोड़ रहे हैं, कुरान के अंदर कहीं भी ड्रेस कोड का जिक्र नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सशक्तिकरण को किस तरीके से रोका जाएगा, हिजाब क्या, अगर स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं जाएंगी तो क्या महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि हिजाब पहनने से ही ज़्यादा कमज़ोर बनेंगी लड़कियाँ। हिजाब अगर हिजाब उतार के आती हैं और नॉर्मल सारे बच्चों की तरह रहती हैं, तो मैं समझती हूँ बच्चे आगे बढ़ेंगे, और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है सशक्तिकरण औरतों का, इससे तो और कमज़ोर पड़ जाएंगी महिलाएँ, आवाज़ दबके रह जाएगी। तो एक और ट्वीट आया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जो कि कश्मीर से हैं, उन्होंने भी निराशा जताई। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर हैंडल से लिखा, ट्वीट किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिजाब के बारे में क्या सोचता है, यह मामला कपड़े के एक टुकड़े के बारे में नहीं है, यह महिला के अधिकार से जुड़ा मसला है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती, अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह किसी उपहास की तरह है। यानी कि उनका कहना है कि महिलाओं के कपड़े से जुड़ा हुआ यह मामला नहीं, अगर कपड़े से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्यों इतना विवाद?
भाई ये तो सिर्फ स्कूल तक सीमित है कि आप स्कूल में स्कूल के कानून मानिए, स्कूल के प्रोटोकॉल पे चलिए, वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनिए, बाहर तो मना नहीं किया ना, आप बाहर जो दिल चाहे पहने। क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला जैसे जो उमर अब्दुल्ला साहब तो 370 पे भी चीखे थे आतंकवाद, वहाँ पे तमाम आतंकवादियों का जवाब रहा था, आज बिल्कुल सुकून है, शांति है कश्मीर में, तब भी मतलब उन्होंने बहुत हंगामा किया था, वो तो चाहते हैं इस तरह का माहौल बने। महबूबा मुफ्ती तो कह रही है महिला सशक्तिकरण की हनन हो जाएगा, तो कश्मीर में जो आतंकवाद करा रहे थे वो माहौल खराब कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, आतंकवाद भी तो पैदा वही लोग कर रहे थे ना, तो यहाँ महिलाओं को आतंकवादी बनाएंगे वो। मुफ्ती महबूबा जो भी हैं ये, और ये मैं मतलब ये समझ ली कि ये जिस तरह से इन्होंने कश्मीर के हालात ख़राब करके रख दिए थे, अगर शायद सरकार सख्ती नहीं करती, 370 नहीं हटाती, तो आज भी वही माहौल होता, जो डर का माहौल कश्मीर में था वही कर्नाटक में है और सारे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में पैदा करना चाह रहे हैं लोग, तो इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो चाहती हैं कि जो भी है मुस्लिम महिला हो, जो मतलब बिल्कुल बहुत इस्लाम के डर से मतलब इतना उन्होंने डर फैला के और कमज़ोर करके अपना वोट बैंक की खातिर सब ड्रामा करते हैं। महिला को सशक्तिकरण, महिला को शक्ति से दी जा रही है या महिला सशक्तिकरण की यदि बात होती है तो आज महिलाएं स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल को नौकरी पर जाएंगी, कल को कोई एयरफोर्स में जाएगा, कल को कोई फौज में जाएगा, कल को कोई अपना सरकारी नौकरी करेगा, तो वहाँ पर भी इस तरीके की आवाज़ें उठेंगी। भाई 24 घंटे तो हिजाब नहीं पहन सकते ना, 24 आवर्स आप ड्यूटी पे जाएं, कोई भी जाएं कहीं पे भी, तो हर जगह तो मतलब हिजाब पहना भी नहीं जाएगा, काम नहीं होगा हिजाब पहन के। आप रोड पे चल लीजिए, ठीक है आप हिजाब पहन के रोड पे चलिए, कोई मना नहीं कर रहा, अपने जहाँ जाना आ जाइए, लेकिन अगर लड़की पढ़ लिख के किसी अच्छे मकाम पे पहुँचती है, कोई अच्छी जॉब करती है, किसी अच्छी फील्ड में जाती है, तो वहाँ तो मतलब ही नहीं है, फिर वर्क नहीं होगा, वो कैसे करेगी ऑफिस वर्क, तो फिर कैसे मतलब ये बताइए कहाँ से ताकत मिलेगी महिलाओं को, तो महिलाएँ तो कमज़ोर पड़ जाएंगी, अंदर ही बैठ जाएंगे बुरखे में दबके। सवाल हिजाब के साथ साथ आपने बात की कश्मीर को लेकर, आजकल एक फिल्म चली है द कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, एक महिला हैं आप, और जो उस फिल्म में दिखाया गया है या जो 1990 में कश्मीर में हुआ कि कुछ कट्टरपंथियों ने, मैं किसी पर्सनल किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा आपके इस कैमरे के सामने, जो बताया गया कुछ कट्टरपंथियों ने वहाँ पर नारेबाजी करी, वहाँ पर AK-47 की नोक पर उनसे कहा कश्मीरी पंडितों से कश्मीर या तो खाली कर दीजिए या मर जाइए या फिर आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, और यहाँ तक कहा गया कि अपनी महिलाओं यानी कि पंडितानियों को छोड़कर कश्मीरी पंडित कश्मीर खाली कर दें, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए फिल्म में क्या है वो तो मैं नहीं जानती, और फिल्म तो सच्चाई, फिल्म की तो कोई सच्चाई खास नहीं होती, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में गलत चीज़ें हुई थी, गलत हुआ था, और उसके मैं अगेंस्ट शुरू से रही कि हाँ ठीक है बहुत जुल्म हुआ है, मारकाट हुई है उनके, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में उन लोगों को मारा गया, डराया गया, निकाला गया, तो भाई कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, अभिन्न अंग है, हर हिंदुस्तानी का हक है कश्मीर में रहने का, क्यों नहीं, फिर कश्मीरी ना आए दिल्ली, कश्मीरी बिहार ना जाए, कश्मीरी यूपी क्यों आ रहे हैं, जब यहाँ का आदमी ना तो कश्मीर जा सकता, कश्मीरियों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा, और कश्मीरी में भी अगर कश्मीर में भी गैर मुस्लिम रह रहे हैं, आप उनको काटोगे मारोगे, उनसे कहोगे आप कश्मीर छोड़ दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और बाकी आप दूसरे अदर कास्ट को, अदर मजहब को, दूसरे मजहब को अपना नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल कट्टरपंथी है, जो भी इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। अब फिल्म का तो मुझे नहीं मालूम फिल्म क्या है, सच्चाई क्या, फिर 370 कंधे को हटने से कुछ चीज़ें हटी हैं, फ़ायदा हुआ है कि लोगों को पहले वहाँ पर आए दिन देखा जाता था कि पत्थरबाज जो लड़के थे या पत्थरबाज जो थे वो सेना पर पत्थर बरसाते थे, आम जनता पर भी पत्थर बरसाते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि वो पत्थरबाज अब पत्थर नहीं बरसाते, वहाँ के कश्मीरी युवा अब सेना में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब पुलिस में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या आप इसको सरकार का एक पॉजिटिव थिंक मानेंगी या फिर कांग्रेस सरकार का नेगेटिव रोल मानेंगी जब वहाँ पर जो पत्थर फेंकते थे? भाई जाहिर सी बात है, देखिए शुरू से उन लोगों की सरकार रही, बीजेपी आ जाइए जी, बीजेपी तो अब आई है ना 7-8 सालों से सत्ता में, केंद्र में, पहले से कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस को भी हटाना चाहिए था 370, वहाँ का माहौल बेहतर करना चाहिए था, कांग्रेस ने आखिर क्यों नहीं किया, ये चीज़ें बीजेपी की नहीं क्यों छोड़ दी, तो बहुत अच्छा कदम था बीजेपी का, मैंने ट्वीट भी किया था इस पे प्रधानमंत्री को, तब ये 370 हटी थी, बहुत मतलब मुझे खुशी हुई थी,
कि कम से कम दूसरे हिंदुस्तानियों को भी रहने कहा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें, जाएं बिजनेस करें। आखिर हम लोग क्यों नहीं जा सकते, हमारे लिए क्यों पाबंदी के साथ 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है, कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहते हैं, मेरी कई महिलाओं से बात हुई, कई कश्मीरी पंडितों से बात हुई, वो कहते हैं कि हम अपना घर जो छोड़ कर आए हैं 32 साल हो गए, हम अपने घर कब वापसी जाएंगे, हम अपने घर जाना चाहते हैं। क्या कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनको उनका स्वागत करना चाहिए, उनको वो सब चीज़ें भुलाकर उनको अपनाना चाहिए, उनको भाईचारा बढ़ाना चाहिए, या फिर इसी तरीके से कट्टरपंथी चलती रहेगी? नहीं नहीं, देखिए अगर वो कश्मीरी पंडित वहाँ रहना चाहते हैं, हो जाए सी बात है, उनका वतन है वहाँ, वो पैदा हुए रहे सहे, बचपन गुजरा होगा वहाँ पर और बहुत सी चीज़ें यादें होंगी उनकी पुरानी, तो उनको वापस जाना चाहिए और सरकार को भी हेल्प करनी चाहिए उसमें कि वो वहाँ पर सेटल करें। पंडित कश्मीरी जो वहाँ से भागे थे, डर से भागे या उनके भगाने से भागे, जैसे भी भागे, जिस कंडीशन में भी आए बहरहाल, लेकिन उनको भाई उनका भी मन होता होगा कि अपने वतन हम दोबारा लौट के जाएं। अब वहाँ पर इस तरह से मतलब डर भी बैठा हुआ कि नहीं भी जा सकते, तो उसमें देखिए कश्मीरियों को ही चाहिए कि सुधर जाएं, लाइन पे आ जाएं और जो भी हुआ वो भूल जाएं और अपने कश्मीरी पंडित जो भी ये जाना चाहें तो वहाँ अपने घर में रह सकते हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे साहब। वहाँ पैदा नहीं हुए थे, वहाँ रहे नहीं थे, वहाँ उनसे उनकी ऐसे मतलब बहुत सी यादें होंगी वहाँ से जुड़ी हुई, और हर इंसान की होती है। अगर हमें कोई ये कहे कि हम यूपी में पैदा हुए और यूपी नहीं जा सकते, या दिल्ली में रहते हैं हम दिल्ली दोबारा नहीं आ सकते, तो हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी बार बार दिल्ली और यूपी याद आएगी। तो ऐसे उन लोग कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर याद आता होगा, अपना वतन ज़रूर याद आता होगा, जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों याद आते हैं। तो हमारे साथ समीना बेगम जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कश्मीर मुद्दे को लेकर और हिजाब के मुद्दे को लेकर इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।